भाई मैं क्या सच में ऐसा लगता हूँ कि मैं बाइक चोर हूँ, बदला पूरा लूंगी। जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना। मोटू बहुत खुश हुई, इतना खुश हुई कि फटने को हो रहे हैं खुशी के मारे। मैं यहाँ कैमरा निकालूंगा और ये कहीं अपनी गंदा निकाल ले। वैलेंटाइन डे पे कुछ दे देना, कुछ ही नहीं दूंगा। यू डोंट डिजर्व इट। इससे ज्यादा ये काम नहीं करेगा क्योंकि इतना ही घर है, छोटा घर है। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और आज संडे है, मेरा फेवरेट डे। क्योंकि जब भी मैं डाइट पे होता हूँ, मतलब जब मैं ढंग से डाइट फॉलो कर रहा होता हूँ, तब संडे से अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं होता। और आज मैं पूरे दिन चीट मील लूंगा। मेरा कल भी बहुत मन कर रहा था कि कल मेरी सिस्टर का फोन आया। सिस्टर बोलती है कि मैं आज ये बना रही हूँ वो बना रही हूँ, पिछले इन दिनों मैंने ये बनाना सीखा वो बनाना सीखा। एंड आई वॉज लाइक, अरे यार मेरे को भी खाने का है, मुझे खाना है, जस्ट अभी खाना है, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से कल रात को कंट्रोल किया अपने आप पे, और आज पूरा दिन मैं करने वाला हूँ बवाल। आज संडे और मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं नहाऊंगा या नहीं नहाऊंगा, क्योंकि रोज़ रोज़ नहाना है। संडे को काम की छुट्टी होती है तो नहाने की भी छुट्टी होनी चाहिए। और गुड थिंग इज़ दैट कि आज अंकिता आ जाएगी तो फाइनली मेरा अकेलापन दूर होगा, मेरी तन्हा जिंदगी में उम्मीद की किरण जगेगी फिर से। सो समथिंग लाइक दैट आई एम हैप्पी, क्योंकि यार जब आप इतने दिनों तक साथ में रहते हो फिर आपको अचानक से अकेला रहना पड़ता है तो इट्स रियली वियर्ड। हाँ, बीच में मेरा मन कर रहा था मैं घर चला जाऊँ चित्तौड़, फिर मैंने सोचा कि जाऊँगा आऊँगा उसी में थक जाऊँगा। सो मैं नहीं गया। संडे वैसे काफ़ी अच्छा दिन है, लेकिन अभी मुझे 11 बज चुके हैं, लेकिन मुझे अभी किसी और काम के लिए जाने मार्केट में बाहर। तो संडे वैसे अच्छा लगता है कि आप आलस कर सकते हो, पूरे दिन पड़े रह सकते हो, लेकिन जब भी आपको याद आता है ना कि छोटे मोटे काम है आपको, जो आपने पूरे वीक केवल इसलिए टरकाए कि आप संडे को कर पाओ, तो बड़ा बुरा लगता है। हे गाइस, अभी बज रहे हैं दिन के 12 और मैं वापस घर पे आ चुका हूँ। मेरा काम हो गया कंप्लीट, 1 घंटे में सब कुछ निपटा लिया मैंने। आजकल थोड़ा ज़्यादा जोश में हूँ। और अंकिता निकल चुकी है, वो अभी आ रही है, उसकी सिस्टर, उसकी सिस्टर जाएगी वापस नीमच यहाँ से। जो भी है, कुछ बहुत ही अनरियलिस्टिक सा हो गया। अनरियलिस्टिक तो क्या है। सो आज एक बहुत ही हैपनिंग चीज़ हो गई। मैं आ रहा था, उस वक्त मुझे मिले ठुल्ले। ठुल्ले खड़े थे, कम से कम 10 या 12 ठुल्ले खड़े थे रोड को रोक के, बैरिकेड्स लगा रखे थे, और उन्होंने मेरे को रोक लिया। मेरी एक बार तो फट गई, मैं सोच रहा था ये मैंने मतलब कोई मड़े वड़े करके आया हूँ या क्या हो गया है कि मेरे को रोक रहे हैं। फिर उन्होंने मेरे को रोका, और फिर रोकते ही मेरे को बोला कि साइड में आओ। मैं और भाई कि क्या हो गया, इतने सारे 2-3 घेर के खड़े हो गए। मैं साइड में गया, उसके बाद वो बाइक के नंबर नोट करने लगे। मेरे को लगा ये चालान तो नहीं काट रहे होंगे, इतने सारे खड़े, गड़बड़ क्या है, समझ में नहीं आया उस वक्त क्या है। फिर मैं उनसे पूछा, मतलब हंसते हुए पूछा कि अब और क्या कर सकता था। तो मैंने उनसे हंसते हुए पूछा, मतलब थोड़ी सी स्माइल देते हुए कि सर क्या हुआ, व्हाट्स द इशू। तो वो बोलते हैं कि आजकल बाइक्स बड़ी चोरी हो रही है। फिर मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, मेरी शक्ल ऐसी लगती है कि मैं बाइक चोर हूँ। मैंने बड़ा सरप्राइजिंग सा ऐड किया, अच्छा बाइक चोरी हो रही है, तभी आप लोग शायद इतने सारे लोग खड़े हैं। उसने बोला कि सर आपकी डिटेल चाहिए। मैंने चुपचाप डिटेल दे दी, और मतलब मेरे को बार बार फील हो रहा था जैसे जैसे वो मेरी डिटेल्स मांग रहा था, जितना ज़्यादा मुझसे पूछ रहा था वो सब उसने नोट डाउन किया, मेरी बाइक के नंबर नोट डाउन किए। तो मेरे को लिटरली फील हो रहा था कि भाई मैं क्या सच में ऐसा लगता हूँ कि मैं बाइक चोर हूँ। मैं उस इंसिडेंट को रिकॉर्ड भी करना चाह रहा था, लेकिन मेरे साथ साथ में इतनी फट रही थी, मैं सोचा कि मैं यहाँ कैमरा निकालूंगा और ये कहीं अपनी गंदा निकाल कि एक तो मैं इनको चोर जैसा लग रहा हूँ कि डिटेल्स ले रहे हैं। लेकिन फिर जब उन्होंने कॉपी के और पन्ने पलटे तो मैंने देखा कि यार कई सारे नंबर लिखे हुए हैं, तो कई सारे लगते हैं चोर। सॉरी यार, मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि अंकिता के लिए आज रोज डे है, और मैं अंकिता के लिए रोज लाया था। मैं आपको बताना भूल गया था, मैं चाहते वक्त तो मैंने आपको बताया था कि मैं लेने जा रहा हूँ, पर मैं उसके लिए ये बुके लेके आया हूँ, और अभी तक भी मैंने उसको विश नहीं किया। मैं उसके लिए ये सरप्राइज रखूंगा, इसको मैं अभी रख दूंगा पीछे स्टोर में, और मैं उसको खुद ही ढूंढने दूंगा। यार जब तक वो कहती नहीं है तब तक मैं उसको बताने वाला नहीं हूँ। और अभी 10 मिनट के अंदर अंदर अंकिता यहाँ पहुँच जाएगी, तो उससे पहले मुझे इसको छुपाना भी है, और बाकी घर की हालत थोड़ी ख़राब है वो भी सही करनी है, क्योंकि लैपटॉप चार्जर सब कुछ बिखरा हुआ है और वो आते ही बिखर जाएगी अगर वो ये सब देखेगी। आपको मेरा ट्रेंड दिखाता हूँ, 5 मिनट में मैंने क्या ट्रांसफॉर्मेशन की पूरे घर की, आपको यकीन नहीं होगा। ये चादर आपको देख के लग नहीं रहा होगा, इसमें 5 दिन से मैं सो रहा हूँ, ये वही चादर है, मैंने अभी तक चेंज नहीं किए, और बिल्कुल सिलवटी नहीं है अंकिता को पता भी नहीं लगेगा। और देखो पूरा घर, ये लैपटॉप अभी रखना बाकी है, और बाकी मैंने पूरा व्यवस्थित कर लिया है। ट्रांसफॉर्मेशन देखो गजब वाली है। पहुंच चुके हैं घर, और मोटू को दे दिया सारा सामान, और सीढ़ियां चढ़ रहे हैं अभी घर की। मोटू बहुत खुश हुए, इतना खुश हुए कि फटने को हो रहे हैं खुशी के मारे। जिन्ना लाल चल रहा आगे, जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना। लोग मुझे अपनी जिंदगी में कभी समझ भी नहीं आया, जैसे कि औरत आते सारा का सामान ऐसे बिखेर रखा है। मैंने घर को कितना अच्छा रख रखा था, ये देखो कैसा बिखेरा किया है। इंसानियत शर्म शर्म
सार हो चुके हैं, शर्म सार इंसानियत शर्म सार हो चुकी है। मीनवाइल सफाई हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। चाय तो बहुत अरे घर आ गया चाय आज छोलूंगी छाती बदला पूरा लूंगी। तेरे को पता है रोज डे मेरी इसमें रोज मैं दूंगा थप्पड़ मेरा रोज का देखो क्यों भाई वेरी माय रोज मैन एंड वुमन आर इक्वल मैन एंड वुमन आर इक्वल रोज का मेरे को चाहिए खेतों में छोड़िए। ये औरतें ऐसे तो इक्विलिटी को रोती रहती हैं। आज मैं छोटू को मौका दे रहा हूँ, इस वैलेंटाइन डे छोटू का ही हक है, इसको ही करना सब कुछ। मैं इसको ना ही कुछ लाके दूंगा ना ही कुछ, और जो भी करेगा ये छोटू करेगा, मैं नहीं। अपने आउट ऑफ कंफर्ट मत ज्यादा फैसले मत सुनाओ, ठीक है? यू नो माय वैलेंटाइन डे इज अपकमिंग सो क्यों और तो अकेले का थोड़ा होता, आदमियों का भी होता है। चाय चाय चाय। और ये लड़का मेरे को कह रहा है कि ना मैंने कोई गिफ्ट नहीं दिया रोज डे पे, बैग कवर इतना खूबसूरत लग रहा है, ये किसने लाके दिया? नकली लेके आई है। नकली होता है इसलिए वो बैग कवर है फोन का। सच अ चीप स्टफ। अरे अरे रिकॉर्डिंग है बटन दो अभी लो ले वापस दे चाय पी कैसे वहां पे रख पिलाओगे ले ले पक्की बात है कि शॉर्टली मैं पी लूं चाय। हाँ। मैं पी सकती हूँ ये चाय मेरे लिए है। होता है एक बार ब्लॉगर्स के घर में ऐसे ही होता है जोर से। जय माता दी। मोटू से हमने मंगाया है पिज्जा का बेस और सब्जियां, ताकि मैं बनाऊंगी घर पे पिज्जा, और जिनको पिज्जा खाने की इच्छा है तो जिनको डिनर में मिलेगा पिज्जा। इसकी बस 7:30 और अभी 6 बज रहे हैं। कान के मारे थोड़ा हाल खराब ही है, मैं 2 दिन से ठीक से सोई भी नहीं हूँ। अंकिता को फाइनली मिल गया। ले आओ फिर तुम्हारे गिफ्ट है। हैप्पी रोज डे। थैंक यू रजू। मेरा रोज का गाजर पाक से क्या था? रोज का है मेरा। तो अभी रोने लगे इसको मैंने गिफ्ट दिया है। अब से ना तेरे को टैडी डे पे टैडी मिलेगा, ना तेरे को चॉकलेट डे पे चॉकलेट मिलेगी, ना वैलेंटाइन डे पे कुछ मिलेगा। वैलेंटाइन डे पे कुछ दे देना, कुछ ही नहीं दूंगा। यू डोंट डिजर्व इट। वो बात नहीं है, बात ये है यू डोंट डिजर्व इट। नहीं, मुझे लास्ट ईयर आपने बुके दिया था, वो बुके मैंने इतना संभाल के रखा, उसके फूल सूख गए और फिर मैंने हॉस्टल से पैकअप किया, वो वहीं रह गया। मेरे को ये दुख होता है, मैं गिफ्ट रखना चाहती हूँ, आई वांट टू कीप इट। तो हम जिनू को बस में बिठाने जा रहे हैं, जिनू को पिज्जा खिला दिया है और बस उसकी रवानगी। मैं चाहती नहीं थी कि वो आज जाए, बट शी इज गोइंग। कितने साल के हो आप? साल तो दर आए पर मैं 16 की उम्र से गाड़ी चलाती हूँ। अच्छा, ये गाड़ी आपकी क्या? ये गाड़ी मेरी दूसरी गाड़ी है मेरी। अच्छा चलो, फिर तो मुझे देख के डर लगा आपके पास। बस हमारी आ चुकी है और हम बत्ती पे खड़े वेट कर रहे हैं। बस वाले का भी फोन किया है, वो वेट करने के लिए रेडी है और बस जिनू को छोड़ेंगे। क्यों जी ना, बाय बाय बाय। हम अभी जाएंगे घर। जिनू को छोड़ के अब जा रहे हैं सीधे घर और खाना वाना खाएंगे, क्योंकि बहुत जोर से भूख लगी है, और मैं भी रोटी पिज्जा बनाऊंगी हम दोनों के लिए।